यहाँ हम अभी ये ग्लास लेंगे, इसके अंदर डालेंगे ये पाइपिंग बैग। आपको ये भी देखना है कि ये पाइपिंग बैग कहीं से फटा ना हो, ओके, ताकि मेहंदी का पेस्ट इसमें से बाहर ना निकल जाए। अब इसके ही अंदर हमने लगानी है स्टॉकिंग, जो कि है ये वाली, ऐसे करके यहाँ ये लगा देंगे, ऐसे मैंने कर दिया। देन अभी यहाँ पर हमें इसके अंदर डालना है पेस्ट, ये जो पूरा मेहंदी का पेस्ट है इसके अंदर हम डालेंगे। वैसे तो स्टॉकिंग की मुझे अभी नीड नहीं है, बट ये मुझे आपको करके दिखाना है कि इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं अभी आपको बता रही हूँ। स्टॉकिंग का यूज हम इसीलिए करते हैं ताकि अगर आपकी मेहंदी में गांठे वगैरह कहीं रह गई है तो वो इसके अंदर ही रह जाए और बाकी का पेस्ट जो है वो शिफ्ट हो जाए पाइपिंग बैग के अंदर। पूरा पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐसे अच्छे से निकाल लिया है और देखो ये कलर भी आ गया है अभी हाथ के ऊपर। इसको हम ऐसे ओपन कर लेंगे। ग्लास साइड में रखो एंड देन इसको अभी मैं थोड़ी देर में वॉश करूंगी। इसको ऐसे पकड़ा, इसे इस तरीके से ट्विस्ट करना है एंड देन बाहर की तरफ खींचना है आपको। पहले सामान यहां से साइड कर लूंगी एक मिनट। ये हो गया, इसके अंदर मेहंदी नहीं अटकी है, मतलब कि गांठे वगैरह नहीं थी। ये देखो एकदम क्लीन है और ये हाथों पे भी लग चुका है। इसको ऐसे ट्विस्ट किया और ये बांध लेंगे। इसके बाद मैं हैंड एक बार क्लीन कर लूंगी अपने। ये हो गया रेडी। अब इजीली इससे आप छोटे वाले कोन्स में फिल कर सकते हैं मेहंदी। इसे मैंने कर लिया है आगे से कट। अब देखो आपको क्या करना है, ये जो वी पॉइंट होता है ना, इससे नीचे ही आपको मेहंदी का कोन फिल करना है, ठीक है। तो यहां से हमने पाइपिंग बैग ऐसे रखना है, इसके अंदर ऊपर से प्रेस करेंगे। ये देखो पेस्ट जाना स्टार्ट हो गया है अभी, और अब यहां से मैं पकड़ लूंगी। देखो ये यहां से मैं ऊपर से डाल रही हूं तो ये अपर की तरफ निकल रहा है ना, तो यहां से बाहर निकलने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए हम इसको यहां से ऐसे पकड़ लेंगे, ग्रिप बना लेंगे ऐसे। देन फिर अंदर की ऐसे ऊपर की तरफ से प्रेस करेंगे, नीचे की तरफ पेस्ट जाता रहेगा और यहां से भी मैं प्रेस कर रही हूं नीचे से। ये देखो नीचे तक जा रहा है। अब सिर्फ इतना ही फिल करूंगी और इसको ना आपको ऐसे यहां से लेफ्ट हैंड से अच्छे से पकड़ के रखना है और ऐसे बाहर निकालना है, ताकि इसका ये वाली जो चीज है ये नीट एंड क्लीन बाहर निकले, मेहंदी ना लगी हो यहाँ पे। इसको ऐसे रख सकते हो आप। और अब हमें करना है इसको पैक। इसके बिल्कुल इस पॉइंट पे यहाँ पे टेप लगानी है ऐसे, बिना टेप लगाए भी काम कर सकते हैं। ऐसे धीरे से लगाई, पीछे की तरफ फोल्ड किया हमने इसे। यहां से एकदम से दबाना नहीं है, नहीं तो एयर इधर की तरफ आ जाएगी। यहाँ नीचे से प्रेस करो ऐसे आराम आराम से, ध्यान रखना है पेस्ट ऊपर ना निकल जाए। और फिर इसको ऐसे आप अच्छे से ऊपर से पैक कर दो। ये देखो ये आपको करना है, प्रेस किया। अब चाहो तो यहाँ पे भी अगेन आप टेप लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है यहां से मेहंदी निकल जाती है, अगर आप ऊपर से अच्छे से पैक नहीं करते हो तो आप ऐसे टेप लगा सकते हो। ये अदर ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे किया, अब इसको आपको करना है ऐसे फोल्ड। वन फोल्ड किया, इस कॉर्नर से आपको ऐसे फोल्ड करना है, राइट साइड से भी हम फोल्ड करेंगे ऐसे, और फिर यहां पे आपको मिड में करना है। वन टू ही मैं, जब पाइपिंग बैग से आपने पेस्ट भर लिया अपनी कोन्स में, अगर ये बचा हुआ है ऐसे, तो इसको आपने क्या करना है, मेहंदी नीचे की तरफ निकाल ली, ऐसे फोल्ड करना है। वन टू थ्री कर लिया, या टू टाइम भी कर सकते हैं। यहां पे ऐसे छोटी सी टेप लगा दो, इसके ऊपर आप लिख के भी लगा सकते हो किस डेट पे आपने ये पेस्ट बनाया है, और फिर फ्रिज में रख दोगे
तो आपको पता रहेगा किस डेट पे बना है, तो उसके हिसाब से आप जल्दी इसको यूज कर सकते हैं। ओके, ऐसे इसको फ्रिज में रख देना है। अब ऊपर से ज्यादा नहीं दबाना, देखो ये अभी लूज है यहाँ पे। ओके, टाइट नहीं किया है मैंने ऊपर से। अब यहाँ पे हम लेंगे टेप और यहाँ पे मैं ऐसे चिपका दूंगी इसको। ध्यान से देखना, ये रखा और यहां से ऐसे इसको चिपका दिया, तो ये बन गया। अब ये देखो, ये इसके कॉर्नर निकले हुए हैं, थोड़ा सा इसको भी हमने सुंदर लुक दिखाना है। तो अब क्या करेंगे, इन कॉर्नर्स को भी पैक कर सकते हैं आप। वैसे तो ऐसे भी यूज कर सकते हो, बट कभी कभार शादियों में जाते हैं जब हम मेहंदी लगाने, तो वहां पे कोन्स के भी फोटोशूट रहते हैं, तो ये वाला कॉर्नर दबाया, इधर वाला भी दबाएंगे और ऐसे आप नीचे की तरफ इसको पैक कर दो। तो ये हो गया, तो ये बन गया हमारा कोन। आप चाहे तो ये वाले एरिया पे भी कर सकते हैं टेपिंग।